धौलपुर की पूर्व महारानी और राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे की पुत्र वधु और सांसद दुष्यंत सिंह की पत्नी निहारिका राजे का बीमारी के चलते दिल्ली में इलाज चल रहा है, जहां उनकी स्थिति गंभीर बनी हुई है। उनके स्वास्थ्य लाभ के लिए धौलपुर राजघराने के ईस्ट भगवान नरसिंह जी के मंदिर पर विशेष पूजा अर्चना शनिवार को मंदिर के पुजारी डॉक्टर रविंद्र स्रोती के नेतृत्व में राज परिवार से जुड़े लोग और उनके शुभचिंतकों सहित धौलपुर के लोगों द्वारा की गई। भगवान नरसिंह मंदिर पर शनिवार को आयोजित विशेष पूजा अर्चना पंडित डॉक्टर महेशचंद शर्मा सहित 5 पंडितों के द्वारा स्वयं निहारिका राजे जी के स्वास्थ्य लाभ के संकल्प के साथ नवग्रह पूजन और रुद्राभिषेक के साथ शुरू हुई और फिर महामृत्युंजय का जाप 5 पंडितों द्वारा किया गया और शाम को महामृत्युंजय का हवन और महाआरती का आयोजन किया गया। हवन में धीरेन्द्र कमठान सहित धौलपुर जिले से बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे। सभी ने ईश्वर से प्रार्थना की कि धौलपुर के पूर्व राजघराने की बहू निहारिका राजे जी शीघ्र स्वस्थ हों और उनके जीवन में खुशी उल्लास का आगमन हो। पिछले कई दिनों से महारानी साहब की पुत्र वधु निहारिका राजे जी, उनके बेटे दुष्यंत सिंह जी की पत्नी निहारिका राजे जी का स्वास्थ्य और गंभीर स्थिति में है और उनके स्वास्थ्य लाभ के लिए आज के दिन मंदिर नरसिंह जी, जो उनके इष्टदेव हैं, यहाँ उन्होंने अपना विचार किया कि एक बार यहाँ महामृत्युंजय का जाप, महामृत्युंजय भगवान शंकर भोलेनाथ का अभिषेक कराया जाए और उसके बाद हवन। ये सारी प्रक्रिया आज सुबह से यहाँ मंदिर नरसिंह जी पर शुरू हुई और उसके बाद सबसे प्रथम यहाँ संकल्प किया गया और उसके बाद फिर नवग्रह पूजन हुआ, उसके बाद फिर रुद्राभिषेक हुआ और रुद्राभिषेक के बाद फिर महामृत्युंजय का जाप हुआ और उसके बाद शाम को 6 बजे से अब हवन प्रारंभ होगा। ये सब उनकी एक बार वो पूर्ण स्वस्थ हों उसके लिए सभी सामूहिक रूप से प्रार्थना भगवान से करेंगे, नरसिंह भगवान से भी प्रार्थना करेंगे कि निहारिका राजे जी शीघ्र स्वास्थ्य लाभ करें और इसके अलावा उन्हें समृद्धि और घर में सुख शांति हो, इस बात के लिए आज का ये आयोजन उनके इष्टदेव मंदिर नरसिंह जी पर आयोजित किया गया। धौलपुर के निहालगंज थाना क्षेत्र में माँ के लिए दवाई लेने जा रहे एक युवक की कुछ लड़कों ने लाठी डंडों से पिटाई कर दी और भाग गए। पुलिस के अनुसार निहालगंज थाना क्षेत्र में रहने वाले गौरव पुत्र मनोज भदौरिया जब शुक्रवार को रात में दवा लेने के लिए निकला तो संतर रोड के रहने वाले कुछ लड़कों ने अपने साथियों के साथ गौरव को घेर लिया और गौरव के किसी दोस्त के बारे में पूछने लगे। इसके साथ ही लाठी डंडों से पिटाई कर दी। घायल युवक को लोगों ने अस्पताल में भर्ती कराया, जहाँ उसका इलाज चल रहा है। घायल युवक के पिता पुलिस में हेड कांस्टेबल है। जानकारी के अनुसार कुछ दिन पहले गौरव के दोस्त आकाश का आरोपी युवकों से झगड़ा हुआ था। आकाश तो मिला नहीं, लेकिन गौरव उन्हें मिल गया तो उन्होंने गौरव की ही पिटाई कर दी। धौलपुर जिले के कंचनपुर थाना क्षेत्र के गांव कुंजी का नगला निवासी 30 वर्षीय युवक के दुर्घटना में घायल होने के 2 महीने बाद मौत होने पर परिजनों ने जयपुर सवाई मानसिंह अस्पताल के चिकित्सकों पर किडनी निकालने के गंभीर आरोप लगाए हैं। साथ ही परिजनों द्वारा बाड़ी उपजिला कलेक्टर एवं कंचनपुर थाना पुलिस को परिवाद दिया है। परिवाद को लेकर बाड़ी उपजिला कलेक्टर राधेश्याम मीणा ने कंचनपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के इंचार्ज डॉक्टर पुरेंद्र प्रताप सिंह राठौर के नेतृत्व में मेडिकल बोर्ड गठित कर कंचनपुर थाना पुलिस को पोस्टमार्टम की कार्रवाई करने के निर्देश दिए, जिस पर कंचनपुर थाना पुलिस ने मृतक के परिजनों की उपस्थिति में वीडियोग्राफी कराकर पोस्टमार्टम कराकर सब परिजनों को सुपुर्द कर दिया। आज दिनांक 15/10/21 को बाड़ी उपखंड अधिकारी द्वारा एवं कंचनपुर थाने द्वारा तहरीर दी गई है, जिसमें पोस्टमार्टम किया गया है, जिसमें किडनी निकालने का संदेह जताया गया था, जिसका पोस्टमार्टम किया जा रहा है। पीड़ित मृतक के चचेरे भाई गब्बर सिंह जाटव ने बताया कि उसके चाचा हरी सिंह का 30 वर्षीय पुत्र करतार सिंह चित्तौड़गढ़ में मजदूरी करता था, जो रक्षाबंधन के तौर पर 21 अगस्त को चित्तौड़गढ़ से अपने गांव कुंजी का नगला बाइक पर अपने भांजे अनीश के साथ अन्य साथियों के साथ बाइक से धौलपुर आ रहे थे। तभी करौली जिले के मासलपुर थाना क्षेत्र के गांव रतियापुरा के पास हुए करीब 3 बजे अचानक बाइक का संतुलन बिगड़ने से हादसे में घायल हो गए।
जिन्हें स्थानीय रागीरों की मदद से पुलिस ने करौली के राजकीय चिकित्सालय में भर्ती कराया गया। जब गंभीर हालत को देखते हुए उन्हें जयपुर के धनवंतरी सवाई मानसिंह अस्पताल के लिए रेफर कर दिया गया। सवाई मानसिंह अस्पताल में चले इलाज के बाद कुछ दिनों में ही भांजा अनीस की तबीयत सही हो गई और लंबे समय तक चले उपचार के बाद उसके चचेरे भाई करतार सिंह की भी छुट्टी कर दी गई। लेकिन घर पहुंचकर फिर से करतार सिंह की तबीयत बिगड़ गई। परिजन फिर से उसे सवाई मानसिंह अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां चिकित्सकों ने ऑपरेशन की सलाह देकर भर्ती कर दिया, लेकिन उसकी इसी दौरान मौत हो गई। परिजन उसको अंतिम संस्कार के लिए घर पर ले आए और जब अंतिम संस्कार की रस्म अदा की जा रही थी, तभी परिजनों की नजर उसके पेट पर लगे चीरे एवं टांकों पर पड़ गई, जिसे देख के परिजनों को शंका हुई, जिस पर तत्कालीन परिजनों ने घटना से स्थानीय कंचनपुर थाना पुलिस एवं बाड़ी उपखंड प्रशासन को अवगत कराया और मामले की शिकायत परिजनों द्वारा क्षेत्रीय विधायक गिरा सिंह मलिंगा से भी की। इसके बाद कंचनपुर थाना पुलिस ने मेडिकल बोर्ड बनाकर सबका पोस्टमार्टम कराया है, जिसकी वीडियोग्राफी भी कराई गई है और सबका पोस्टमार्टम कराकर सब परिजनों को सौंप दिया गया। अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही हकीकत क्या है यह स्पष्ट हो सकेगा। मेरे जो चाचा जी हैं, उनके जो छोटे बेटे हैं चित्तौड़ में मजदूरी का काम करते थे, तो रक्षाबंधन के त्यौहार पर वो जो है बाइक से अपने भांजे के साथ आ रहे थे त्यौहार मनाने के लिए गाँव। तो रास्ते में उनका जो है एक्सीडेंट हो गया, तो जिसमें उन्हें जिनका नाम करतार सिंह था, तो उन्हें गंभीर चोट लगी और जो उनके भांजे थे उनका भी चोट लगी उनको, तो उनको प्राथमिक जो उपचार है करौली के जो अस्पताल है वहाँ पे कराया गया। वहाँ से जो है उन्हें SMS हॉस्पिटल जयपुर के लिए रेफ़र कर दिया गया। तो पिछले 2 महीने से उसका उपचार वहीं से चल रहा था। तो 14 तारीख को उसका जो है पैर का ऑपरेशन होना था, जो कि गंभीर रूप से घायल थे वो, यानी पैर उनका फ्रैक्चर था। तो उनका जो है कल ऑपरेशन स्टार्ट हुआ 11 बजे से और शाम के 5:30 बजे तक उनका जो है ऑपरेशन हुआ और उनकी ऑपरेशन के दौरान जो है हालत गंभीर हो गई, तो उन्हें ICU में भर्ती किया गया। तो ICU में भर्ती करने के बाद उनकी जो है मृत्यु हो गई और उसके बाद जो है मृत्यु हो गई और उसके बाद उसकी उनका जो शव है हमें मॉर्निंग 4 बजे सुबह 4 बजे हमें प्राप्त हुआ, जिसे हम अपने गांव कुंजी का नगला गढ़ी घराना लेके आए अभी 8 बजे करीब। और उसका दाह संस्कार का जो है प्रोग्राम चल रहा था, तो हमने जो प्रोग्राम करने के समय उसके देखा, तो उसके पेट के पास में जो एक निशान था यानी ऑपरेशन का, जबकि उसका जो ऑपरेशन था पैर का था, बट उसका जो निशान था पेट के ऊपर था, तो हमें संदेह हुआ कि इसके साथ कुछ गलत यानी हुआ है। तो हमने इसकी रिपोर्ट जो है हमारे नज़दीकी जो कंचनपुर थाना वहाँ पे की और हमारे जो विधायक जी हैं उनसे इस बारे में बात की, तो उन्होंने जो है इस बारे में पुलिस को अवगत कराया और जो करतार मेरे जो भाई हैं करतार जी, उनका जो पोस्टमार्टम है बाड़ी के हॉस्पिटल में उनका पोस्टमार्टम चल रहा है। आपका आरोप क्या है? मेरा आरोप यह है कि जब जो मेरा भाई है उनका पैर का ऑपरेशन होना था, तो ये पेट पर जो निशान है ये किस लिए है, तो हमें शक हो रहा है कि इसमें उनके साथ हो सकता है कि उनका कोई अंग निकाला गया हो, तो हमें इस बारे में न्याय चाहिए। धौलपुर पुलिस द्वारा चलाए जा रहे धरपकड़ अभियान के तहत आज कोतवाली थाना पुलिस ने अवैध हथियार लेकर घूमते 2 बदमाशों को धर दबोचा। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 1 देसी कट्टा, 1 पौना बंदूक व 5 कारतूस बरामद किए हैं। आरोपियों से पूछताछ की जा रही है। थाना प्रभारी अध्यात्म गौतम ने बताया कि SP केसर सिंह शेखावत के निर्देश में पूरे जिले में अवैध हथियारों को लेकर सघन अभियान चलाया जा रहा है। इसी के तहत शनिवार सुबह कोतवाली पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली कि पटवारा रोड पर एक युवक किसी वारदात को अंजाम देने के लिए घूम रहा है। सूचना पर पुलिस ने घेराबंदी कर संदिग्ध को पकड़ लिया। तलाशी में उसके पास से 1 देसी कट्टा व कारतूस मिले। पुलिस ने आरोपी साहिल पुत्र वसीर निवासी खिड़की मोहल्ला कोतवाली को गिरफ्तार किया, जिसके कब्जे से 1 देसी कट्टा व 4 कारतूस जब्त किए हैं। वहीं मुखबिर की सूचना पर मोरोली मोड़ से एक बाल अपचारी को पकड़ा है, जिसके कब्जे से 12 बोर की 1 पौना बंदूक व 1 कारतूस जब्त किया है। जिले में शांतिपूर्ण एवं निष्पक्ष पंचायत चुनाव संपन्न कराने के लिए पुलिस की तैयारियों के संबंध में आज महानिरीक्षक पुलिस भरतपुर रेंज प्रसन्न कुमार खीमसेरा भरतपुर पहुंचे और पुलिस लाइन के सेमिनार कक्ष में पुलिस अधीक्षक केसर सिंह शेखावत की मौजूदगी में पुलिस अधिकारियों की बैठक ली। IG पुलिस ने बैठक के दौरान जिले के समस्त वृत्ताधिकारियों को निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण चुनाव संपन्न कराने के लिए पूरी सजगता एवं तत्परता से कार्य करने की निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि चुनाव में शांति व्यवस्था बनाए रखें, चुनाव में माहौल बिगाड़ने वालों के विरुद्ध सख्त से सख्त कार्रवाई करें। कोई भी प्रत्याशी यदि किसी मतदाता को अपने पक्ष में वोट के लिए डराता, धमकाता या प्रलोभन देता है, तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई करें। उन्होंने सभी सर्किल ऑफिसर्स को केस डायरियों को ऑनलाइन करने एवं प्रवादियों को अच्छी तरह से सुनने व उनके उचित निस्तारण करने की हिदायत दी।
आईजी भरतपुर ने पुलिस अधीक्षक केसर सिंह शेखावत के निर्देशन में सीसीटीएनएस ऑनलाइन कार, बड़े पैमाने पर अवैध हथियारों की धरपकड़ सहित इनामी बदमाशों के खिलाफ की गई कार्रवाई के लिए प्रशंसा करते हुए कहा कि धौलपुर पुलिस बेहतरीन काम कर रही है। बैठक के दौरान पुलिस अधीक्षक केसर सिंह शेखावत ने कहा कि जिले में शांतिपूर्ण, निर्भीक एवं निष्पक्ष पंचायत चुनाव कराना धौलपुर पुलिस की सर्वोच्च प्राथमिकता है। धौलपुर जिला कलेक्टर राकेश कुमार जायसवाल की अध्यक्षता में जिला कलेक्टर सभागार में मौसमी बीमारियों एवं डेंगू के बढ़ते फैलाव को नियंत्रित करने के संबंध में मोहल्लावार समितियों एवं चिकित्सा विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक का आयोजन किया। मोहल्ला समितियों के माध्यम से आमजन तक डेंगू के बचाव एवं सावधानी बरतने के लिए जागरूकता लाने के निर्देश दिए। ज्यादा से ज्यादा जागरूकता हेतु सप्ताह में एक बार पानी की टंकियों, ड्रम, कूलर खाली करने, सुखाने एवं खिड़कियों, दरवाजों में जालियां एवं मच्छरदानी का उपयोग करने तथा घरों के आसपास गड्ढों, नालियों एवं अन्य जगह पर पानी एकत्रित न होने के लिए आमजन को जागरूक करने की बात कही। बैठक में एसडीएम भारतीय भारद्वाज, तहसीलदार भगवत शरण त्यागी, सीएमएचओ डॉक्टर गोपाल प्रसाद गोयल, अतिरिक्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर चेतरा मीणा, आयुक्त नगर परिषद लक्षराज सिंह, डीआरसीएचओ डॉक्टर शिव कुमार शर्मा, वीसीएमओ बाड़ी डॉक्टर गब्बर सिंह मीणा, संस्थापन अधिकारी अशोक उपाध्याय सहित मोहल्लाबार समितियों के सदस्य मौजूद रहे। बाड़ी फंड के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय मसूरा में अंग्रेजी के अध्यापक दिलीप कुमार मंगल ने अपनी बेटी अनिका अग्रवाल के जन्म दिवस पर छात्रों में इंग्लिश विषय की प्रति रुचि जागृत करने के लिए इंग्लिश ग्रामर प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इसमें कक्षा 9 से 12 के लगभग 150 विद्यार्थियों ने भाग लिया। विद्यालय के प्रधानाचार्य राजेंद्र सिंह ने समस्त छात्रों और स्टाफ को संबोधित करते हुए कहा कि दिलीप द्वारा अपनी बेटी के जन्मदिवस पर प्रतियोगिता का आयोजन किया जाना प्रेरणादायी एवं अनुकरणीय है। इस अवसर पर आयोजित प्रतियोगिता में प्रथम स्थान रवि कुशवा कक्षा 12 एवं दूसरा स्थान बलिजान कक्षा 10 एवं तीसरा स्थान सुमन कुमारी कक्षा 12 ने प्राप्त किया। सांत्वना पुरस्कार सचिन कुमार कक्षा 9 और पूनम बघेला कक्षा 11 को दिया गया। सैपू क्षेत्र में आधे घंटे में अलग अलग दो जगह सड़क दुर्घटना हुई है। दोनों घटनाओं में 10 लोग घायल हुए हैं। पहली घटना केतरी के निकट अज्ञात वाहन की टक्कर से थ्री व्हीलर टेम्पो पलट गया। इस दरमियान उमेर भरतपुर निवासी शिक्षक राजेश के परिवार के 4 सदस्य सिद्ध बाबा के दर्शन करने के लिए जा रहे थे। राजेश की पत्नी पूनम तथा उसके 75 वर्षीय पिता अर्जुन सिंह तथा 16 वर्षीय बेटी शिवांगी सहित टेम्पो चालक रामदीन कुशवाहा निवासी मानपुरिया का पूरा घायल हो गया। घायलों को सैपू अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां से चिकित्सकों ने प्राथमिक उपचार के बाद सभी पांचों की हालत गंभीर बताते हुए उन्हें जिला अस्पताल के लिए रेफर कर दिया गया। वहीं दूसरी घटना सैपू के तसीमों के पास सड़क पर टेम्पो से सवारी उतारते समय पीछे की ओर से आ रही एक तेज रफ्तार कार ने टक्कर मार दी। इस दरमियान कार चालक व टेम्पो चालक सहित 5 लोग घायल हुए हैं। घायलों को सैपू अस्पताल में भर्ती कराया गया है।